पहले हम रिटर्न एग्जाम दिए, फिर फिजिकल दिया, फिर मेडिकल दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। ये तो नौकरी बोले तो नौकरी देना ही नहीं चाह रही, तो छीनना चाह रहे, नौकरी दे कहाँ रखूँ। पुलिस तो 2 महीने से हमें खदेड़ ही रही है, अब क्या खदेड़ेंगे, फिर खदेड़ेंगे, फिर अगले जगह जाएंगे। 2 महीने अभी वैसे ही रहेंगे हम, लेकिन घर नहीं जाएंगे। शुभांगी कहाँ से? महाराष्ट्र। कितने दिनों से ऐसे बैठे हुए? हम 2 महीने से यहाँ पे दिल्ली में रास्ते पे भटक रहे हैं। हम यहाँ पे सभी, हमारा मुद्दा है कि 2018 में वैकेंसी निकली हुई थी SSC GD की, उसमें पहले हम रिटर्न एग्जाम दिए, फिर फिजिकल दिया, फिर मेडिकल दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई है क्योंकि 54,000 को ही दी थी और बाकी को बाहर कर दिया। इसकी वैकेंसी 60,210 थी और हम ऑल फिट होने के बाद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी है। हम रास्ते पे भटक रहे हैं। हम सभी से, सांसद से, मंत्री से, कांग्रेस से, सभी से मिले हैं, लेकिन कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। इसलिए हम रास्ते पे बैठे अनशन करने की तैयारी कर रहे हैं कि हमारा मुद्दा सरकार तक पहुँचे। अभी तो चुनाव चल रहे हैं तो सुनेंगे नहीं, लेकिन उम्मीद है। सभी देशवासियों के जितने भी मेरे SSC GD कैंडिडेट हैं जो अभी डिस्क्वालीफाई हो गए, जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, जो भी घर पे बैठे हुए हैं, अगर ये वीडियो आप लोग तक पहुंच रही है तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट, अनुरोध है कि 10 तारीख को भूख हड़ताल अनशन है। और हम लोग को हमें ये पूरा विश्वास है, हमें 1.5 महीना से, मैं अपना बात बता रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जीतूँगा। इसलिए मेरा अपने तरफ से, मेरा पर्सनली अपने तरफ से सारे कैंडिडेट से अनुरोध है कि आप लोग आइएगा, ज़रूर कुछ न कुछ मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द 1-2 दिन में आप लोग दिल्ली पहुँचे, रहने खाने की टेंशन नहीं है, इसकी भी गारंटी। ये तो नौकरी बोले तो नौकरी देना ही नहीं चाह रहे, तो छीनना चाह रहे, नौकरी दे कहाँ रहा, फुलफिल कर रहे हैं, कोई नौकरी वोकरी नहीं देने वाला है ये। जो बड़ी कम संख्या है, लगता है कि इतनी कम संख्या में आप मनवा लेंगे? कम संख्या नहीं है सर, अभी हम लड़का को बुलाएंगे, सब आने वाला है, परमिशन नहीं मिल रहा ना, इसलिए हम लोग 50,000 रुपया सुन रहे हैं, सब काउंसलिंग कर रहे हैं, हम लोग में दे रहे हैं 200-200 रुपया, 300-300 रुपया करके सब दे रहे हैं, 50,000 रुपया पूरा के उसके बाद जब प्रोटेस्ट जारी करेंगे ना तो उस लड़का सब आ जाएगा। ग्रुप से बहुत सारा लड़का गया, सब आ रहा है। अच्छा। हम लोग अभी अभी तो रहने की जगह नहीं है, अभी आके क्या करेगा। अच्छा, क्या मानते हैं क्या तैयारी है? कुछ तैयारी हो रही है सर, मतलब कि प्रोटेस्ट के लिए हमसे पैसा मांगा जा रहा है रामलीला मैदान में। कितना कौन मांग रहा है? वही पुलिस वाले मांग रहे हैं ना, वही मांग रहे हैं 50,000 रुपया सर, इतना ही कुछ करके इतना दीजिए तो हम मतलब 10 दिन का परमिशन देंगे। तो परमिशन मिलेगा तो ही लड़का आएगा, लड़का आएगा तो कहाँ रहेगा सर? पुलिस भगा रही है, यहाँ नहीं बैठने देगी, गुरुद्वारे से निकलवा रही है। आप तो बेरोजगार हैं, कहाँ से पैसे देंगे? कहीं ना कहीं से देना पड़ेगा सर, और पैसा देना तो गलत बात है। ये तो सरकार जान, ये तो सरकार को भी पता होगा, सरकार इस पर रोक लगाएगी तो हम तो नहीं लेंगे, हो सकता है, मगर इसमें कहीं ना कहीं तो सरकार भी शामिल होगी। तो लगता नहीं कि अब तो 2 महीने हो गए सरकार नहीं सुन रही, वापस चले जाना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं होगा सर, वापस जाने की बात तो सोचना गलत है ना। 2 मास हम लोग भटक रहे हैं सर वापस जाने के लिए, वापस जाना रहता तो पहले ही दिन निकल जाते हम लोग। 14 तारीख जो प्रोटेस्ट होने वाला था कैंसिल हो गया, उसी दिन सब लोग निकल जाता अगर जाना होता तो, मगर नहीं जाना है इसीलिए रुके हुए हैं। सरकार सुनेगी, लेट सुने या कुछ सुनेगी, सरकार तो नज़रअंदाज कर रही है, सुनने को सुन चुकी है, संसद में आवाज निकल उठ चुका है तो सरकार तो सुन ली है, लेकिन हम लोगों को नज़रअंदाज कर रही है, क्या कारण है सरकार बताएगी। आपको क्यों लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है? मुझे, आप भी सोच लो कि मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ, अभी तो बताइए कि मतलब आप क्या क्या प्रोसेस है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर जो आपसे आपका जो भी रूल है आपका सटीक है तो आप मुझे, आप आके क्लियर कर दो ना। जब आप सर, आप कोई गलत काम नहीं किए हो मेरे साथ तो आप हमें आकर बता सकते हो ना कि चलो हमें ये प्रोसेस से काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो आपका सही है तो मैं मान लूँगा, मैं चले जाऊँगा, और जब मेरा सही है तो आपको मानना ही होगा ना, तो आप बात कर लो, आकर बात करने में क्या प्रॉब्लम। तो कहीं गए, किसके किसके पास गए? होम मिनिस्टर नित्य, गृहराज मंत्री जो नित्यानंद राय जी है, उनके पास। उन्होंने ही संसद में बयान दिया था कि अर्धसैनिक बल में 1,11,000 पद खाली है। सर जब फोर्स की इतनी क्राइसिस है इंडिया फोर्सेस में, तो हम फिट बच्चों को क्यों बाहर किया जा रहा है? सर मैं 2015 में भी तैयारी की थी और अभी 2018 में। तो 2 महीने तो हो गए, कोई सुनवाई तो हो नहीं रही, तो क्या करोगी? सुनवाई नहीं हो रही है, मतलब जब क्या बोले, सुन रहे हैं फिर भी अनसुना कर रहे हैं, और हम हार नहीं मानेंगे जब तक हमारी मुद्दा, मतलब कि हमारी बात नहीं सुनेंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, उनको सुनना पड़ेगा।
अच्छा कहा जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू लग जाएगा, फिर दिक्कत तो और बढ़ जाएगी, क्या करेंगे यार? ऐसे भी 2 महीने हो गए हमको, ऐसे 2 महीने अभी हो ऐसे ही रहेंगे हम, लेकिन घर नहीं जाएंगे, घर नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे जब तक हमें ज्वाइनिंग महाराष्ट्र। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं 2 महीना से, अभी भी लगे हुए हैं रहने की बात, जहाँ तक है तो पहले तभी देख रहे हैं यहाँ पटेल चौक पार्क पर बैठे हुए हैं, कभी गुरुद्वारा में सोते कभी कहीं सोते, अभी तत्काल पटेल चौक पार्क में सोए हुए हैं। हम लोग का आगे का प्रोग्राम है 10 तारीख से भूख हड़ताल अनशन पर बैठना, सरकार मानेगी कैसे है? वो कोई दानव थोड़ी ना है, वो भी इंसान ही है। क्या चाहते हो? हम लोग तो ज्वाइनिंग चाहते हैं यहाँ, देश सेवा करना चाहते हैं, है ना। हम लोग 2 साल से मेहनत किया, प्रोटेस्ट किया, कोई बात नहीं सुनी जा रही है। हम लोग अगर प्लानिंग बनाए 10 तारीख से हड़ताल पर बैठेंगे, या तो हड़ताल पर बैठने से हम लोग की वर्दी मिलेगी या तो वर्दी मिलेगी।